हाँ दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। तो दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है बटर नान, जिसे मैंने बिना अवन और बिना तंदूर के बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। दोस्तों, आज की रेसिपी बटर नान बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा। ये 3 कप मैदा मैंने लिया है। ये आधे कप मैंने दही लिया, ये खट्टा दही है। आप भी दोस्तों कोशिश करिए दही खट्टा ही लीजिए। और ये 3 चम्मच, बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। चीनी 1 बड़े चम्मच लिया है मैंने। सोडा, खाने वाला सोडा मैंने लिया आधे चम्मच। और बेकिंग सोडा मैंने लिया 1 चम्मच। ये कलौंजी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पानी है, जिसे मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपना डो लगाते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे आप ये मैदा। फिर इसमें हम डालेंगे ये बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा। फिर डालेंगे हम नमक और ये चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम दही। इसे भी अच्छा हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। दही मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये 2 चम्मच के लगभग तेल। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें ऑयल भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल के, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक नरम डो तैयार करते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालेंगे। देखिए मैंने एक नरम डो तैयार कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम जरा सा तेल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम कवर करके इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना अच्छा से तैयार है। देखिए प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल ऊपर आ जा रहा है। तो हम इसे कवर करते हैं और 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। आप देख लेते हैं अपने डो को। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो हम इसका एक छोटा छोटा बॉल बनाते हैं, फिर हम नान बनाना शुरू करते हैं। इस साइज का हम बनाएंगे डो। देखिए सच के मैंने लोई बनाया है। अब इससे हम नान बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये 4 लोई बना के तैयार करी है। हम इसे नान बनाते हैं। मैंने थोड़ा सूखा मैदा भी ले लिया, जिसके ज़्यादा से हम नान बनाएंगे। तो चलिए 1 लोई हम लेते हैं। और तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। इसे हम मैदे में अच्छे से लपेट लेंगे और इसे हम बेलते हैं। आप इसे किसी भी साइज में बेल सकते हैं, किसी से शेप में बेल सकते हैं। चाहे तो ओवल भी बेल सकते हैं, राउंड भी बेल सकते हैं। देखिए मैंने नान बेल लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। इसे अच्छे से बेल लेते हैं और हम इसे अब उल्टा कर देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी। जिस साइड हमें तवे पे ना, उस साइड हम पानी लगा देंगे अच्छे से। और तवा, हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम नान को उसमें डालते हैं। देखिए हम नान को इस तवे पे ऐसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। देखिए इसमें अच्छे से बबल आना स्टार्ट हो गया है। दो मिनट बाद हम इसे हम उल्टा करके सेक लेते हैं गैस पे।
इसे बिल्कुल पास से नहीं सेकेंगे, थोड़ा दूर करके हम इसे सेक लेते हैं। इसके ऊपर लाल लाल स्पॉट आने तक हम इसे सेक लेते हैं अच्छे से, चारों तरफ हम इसे घुमा घुमा के सेक लेंगे। देखिए हमारा नान कितने अच्छे से सिक रहा है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा नान कितने अच्छे से सिका है। इसे हम आस्ते आस्ते इसे चिमटे की सहायता से इसे निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नान दूसरी साइड भी कितने अच्छे से सिका हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि मनान बहुत अच्छे से सीख चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी नान को भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा नान कितने अच्छे से सीखा हुआ है, पीछे से भी देख सकते हैं, सामने से भी देख सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट भी है। अब हम इसमें डालेंगे लगाएंगे बटर। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो इसे बटर लगा के भी खा सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने बाकी नान को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा नान बिल्कुल तैयार है, तो हम एक और नान इसे तैयार कर लेते हैं। देखिए इसको तो हम एक और नान बना रहे हैं। देख इसे मैंने इसमें डाल दिया, इसमें मैंने कलौंजी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे मैंने ऐसी प्लेन बनाया है। देखिए आप इसमें बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। नान की मोटाई यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि नान थोड़ा मोटा ही रहे। देखिए दोस्तों कैसे ये फूल रहा है। बस 2 मिनट तक हम इसे ऐसे सेक लेंगे, फिर हम इसे पलट कर सेक लेंगे। हम इसे पलट देते हैं। देखिए दोस्तों नान कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। इसे चारों तरफ हम घुमा घुमा के अच्छे से सेक लेंगे। हम इसे सीधा करके एक बार अच्छे से निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर हमारा नान पीछे के साइड से सिक जाएगा तो ये तवे से अपने आप ही निकल जाएगा। तो देखिए हमारा नान बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। दोस्तों ये नान बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आइए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा बटर नान बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से किस अच्छे से सिका हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। तो आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी चीज़ के संग सर्व कर सकते हैं, आप पनीर के संग सर्व कर सकते हैं, आप इसे मंचूरियन के संग सर्व कर सकते हैं। मैंने दाल मखनी बनाया, मैंने आज उसे सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। और इस दाल मखनी की रेसिपी की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।